जरा याद कर। अब हमें अंदाजा हो गया है तुम्हारी जिंदगी में अपनी हैसियत का। अब तो मैं इसे बार बार याद कर सकता हूं ना, इजाजत है? मैं तैयार होने जा रही हूं अब्बा, आप भी तैयार हो जाइएगा जल्दी। ये रहे आफ्ताब के बेगुनाही के सबूत, उस जगह पर मौजूद उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स। अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। और ये स्टेटमेंट्स आपको 5-6 घंटे में मिल गए? अब तुम्हें इस बात पे भी एतराज है? ओके, मैं ये स्टेटमेंट्स मीडिया में दिखाएगी और बोलेगी कि मेरा भाई इनोसेंट है। किति, फॉर गॉड सेक, अपने आप को इस मैटर से दूर रखो। ओके, ये सबूत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए। बट पापा, आई एम अ पॉलिटिकल फिगर, मेरी तसल्ली से ज्यादा मुझे मेरे सपोर्टर्स की तसल्ली चाहिए और मीडिया पीपल की, सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे वो किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व ना करें। Enough, मैं तुम्हारे पॉलिटिकल करियर और सपोर्टर्स के चक्कर में आफ्ताब को मजीद थाने में बिठा कर नहीं रख सकता। तुम्हें सबूत चाहिए थे? ये रहे, कल तुम खुद होम मिनिस्टर को कॉल करोगी और आफ्ताब की बेल की बात करोगी। मुझे भी अब इजाजत दीजिए इख्तियार साहब। अरे बेटा, हमारे साथ खाना तो खा लेते। आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए, मैंने खा लिया था। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब से आया हूँ आपके बारे में काफी सुनने को मिला था, आपसे मिलकर ये अंदाजा हुआ आप वाकई काबिले जिक्र हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे अल्फाज में जिक्र सुना हो। जो खुशी मुझे आपसे मिलकर हुई है वो इस बात का सबूत है कि आपको इस घर में अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। शुक्रिया। वैसे आपकी जगह कोई और होता तो मुझे कहना पड़ता कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है कि आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। आमीन। लो खाना खाइए, मैं चलता हूँ। बेटा तुम लोग भी चेंज कर लो, फिर बैठ के खाना खाते हैं। अंकल, उज्मा की बात करवानी थी अम्मी से स्काइप पर। हाँ हाँ, तो मैं लैपटॉप ले आऊँ? हाँ ले आओ। Thank you.
हेलो, आ गए वापस? हाँ आ गया हूँ। कैसी लग रही थी वो? मुझे क्या पता। क्यों, आंखों पर पट्टी बांध कर गए थे क्या जो देख नहीं पाए? देखा था मगर गौर नहीं किया कि कैसी लग रही थी। अच्छा या बुरा कहने के लिए गौर से देखने की जरूरत नहीं होती। खैर, तस्वीरें ली तुमने उसकी मोबाइल से? पागल हो क्या, किस हक से लेता मैं उसकी तस्वीरें? हाँ, जैसे खुद से मोहब्बत करने का हक तो तुमने ही दिया था उसे। जिस तरह उसने तुमसे जबरदस्ती मोहब्बत की, तुम भी खींच रहे थे एक दो तस्वीरें? अच्छा नहीं लगता, ना ही मेरा कोई ऐसा रिश्ता है उस घर से कि मैं ऐसी हरकतें करता रहूं। रिश्ता तो खैर बहुत गहरा है तुम्हारा उस घर से, क्योंकि आजकल मंगनी वगैरह में बड़े करीबी अजीजों को बुलाते हैं लोग। खाला और फरहान कैसे हैं? ठीक हैं। और तुम्हारी दावत का एहतमाम कर रहे हैं वो आज से। मेरी दावत? क्यों? फरहान और तुम्हारी पसंद की डिशेज बना रही हैं अम्मी, कल उसी की दावत होगी। फरहान तुम्हें सुबह को फोन कर देगा, तुम आ जाना। आ जाऊंगा। वैसे क्या फायदा हुआ तुम्हारा उज्मा की मंगनी में जाने का? ना उसे गौर से देख पाए, ना बेचारी को कोई तसल्ली दी तुमने। कोई और बात करें? क्यों, दुख हो रहा है मोहब्बत छिनने का? अरे फिक्र मत करो, जब लड़कियां किसी और से मोहब्बत करती है ना, तो शादी के नाम पर सिर्फ समझौता करती है। वो समझौता कर रही है, मोहब्बत तो अब भी तुमसे ही करती होगी। खुश हो जाओ अब। तो तुम क्या कर रही हो मानूर? क्या मतलब? पहले तुमने खाला के कहने पर मुझसे समझौता किया था, अब तुमने मोहब्बत की, या ये भी समझौता होगा? जवाब दो। मैंने पहले भी अपनी मर्जी से निकाह किया था और अब भी अपनी मर्जी से करूंगी। वैसे भी मैं उज्मा की बात कर रही थी, तुम हर बात तो मुझे क्यों बीच में ले आते हो? तुमने कहा ना कि लड़कियां ऐसे करती हैं, तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। मैं आम लड़कियों की बात कर रही थी, उज्मा जैसी लड़कियों की। खैर, बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ और कल आ जाना। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बैरिस्टर, तुम समझ नहीं रहे हो, मजाक नहीं है ये कोई। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा वो थाने के अंदर सड़ रहा है, तुम कह रहे हो कि सबर करूं मैं? मुझे नहीं पता, मुझे उसकी बेल चाहिए एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रुक। पापा, व्हाट इज दिस? ये सारा स्टेटमेंट्स उर्दू में है, एंड यू नो मेरा उर्दू वीक है। आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस। किति बेटा, जो लोग चाय हादसे पे थे उन सबको उर्दू ही आती थी, सिर्फ में से कोई भी अंग्रेज नहीं था। बट पापा, मुझे इन स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन चाहती हूँ। क्या चाह रही, व्हाट डू यू वांट? कि जब तक तुम वेरिफिकेशन करो उस वक्त तक मेरा बेटा जो है वो जेल में ही सड़ता रहे। फेयर, एटलीस्ट उसकी बेल होने दो, केस फौरन खत्म नहीं होगा उस वक्त तक तुम अपनी वेरिफिकेशन कर लेना प्लीज। पापा, मीडिया में मेरा नेम खराब हुआ तो यू नो दीज डेज मीडिया पीपल पॉलिटिकल फिगर्स का ट्रायल करती है। लेकिन वो पॉलिटिकल फिगर्स किसी ना किसी स्कैंडल में मुलविस हैं। बट यू हैव अ क्लियर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, व्हाट एल्स यू नीड? आई डोंट हैव अ स्कैंडल फ्री पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ओके, आप होम मिनिस्टर से बात किए, मैं केस में इन्वॉल्व होएगी जब स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन होती है। थैंक यू बेटा।
so kind of you. छोटी सी फेवर और कर दूं जब तक मैं उसकी बेल नहीं करा लेता मीडिया के सामने कुछ बोलना मत प्लीज ओके दुख हो रहा है मोहब्बत छिनने का अरे फिक्र मत करो जब लड़कियां किसी और से मोहब्बत करती हैं ना तो शादी के नाम पर सिर्फ समझौता करती हैं वो समझौता कर रही हैं मोहब्बत तो अब भी तुमसे ही करती हो खुश हो जाओ अब ये लीजिए साहब जी आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है शुक्रिया हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा मेरे हवाले से इसलिए सुबह ही सवाल करने के लिए फ़ोन किया आपने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल कल मैं आपको ठीक से मुबारकबाद नहीं दे पाया था इसलिए कॉल कर लिया तो दीजिए मुबारकबाद बहुत मुबारक हो आपको शुक्रिया अब फोन रख दूं आपका काम हो गया है आप एक बात पूछनी थी आपसे जी कहिए मुझसे किसी ने कहा है कि अगर लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो तो फिर वो शादी के नाम पर सिर्फ समझौता करती है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप समझौता तो नहीं कर रही है ना अगर मैं ऐसा कर भी रही हूं तो क्या आप मुझे रोक देंगे ऐसा करने से मैं ऐसा कोई हक नहीं रखता सिर्फ आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिएगा फहद बहुत अच्छा है वो मोहब्बत डिजर्व करता है समझौता नहीं और आपका होने वाला शौहर है अगर उसे बाद में मालूम हुआ तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगर मोहब्बत हार भी जाए तो कुछ बिगड़ता नहीं है लेकिन अगर रिश्ता हार जाए तो जिंदगी बिगड़ जाती है खुदा हाफिज आपने मेरी बेल करवा दी नहीं तो आज मैं बहुत बुरा करने वाला था सर मुझे इजाजत है हाँ बाबा सर
अपने जज्बात पर, अपनी बेवकूफी पे काबू रखो। अभी खुली छूट नहीं मिली है तुम्हें। क्या मतलब? अभी सिर्फ तुम्हारी बेल हुई है और गीति को जो प्रूफ दिए गए हैं वो जाली हैं। ये बेल मैंने करवाई है और अगर गीति को मालूम हो गया कि बेल मैंने करवाई है और सबूत ये जाली हैं, तो मसला खड़ा हो सकता है। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो आप कहना क्या चाहते हैं, कि मैं छुप कर बैठ जाऊं? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि केस खत्म होने तक खामोश रहो, उस वक्त तक चुप रहो जब तक मीडिया वालों से हमारा हिसाब किताब जो है वो पूरा नहीं हो जाता है। अपने पागलपने पे, अपने जुनून पे काबू रखो। कोशिश करूंगा डैड, लेकिन अगर किसी मीडिया वाले या प्रेस वाले ने बदतमीजी की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। थप्पड़ खाने वाली बात कर रहे हो? समझा रहा हूं कि बेवकूफ वाली बातें मत करो तो मत करो, काबू रखो अपने जुनून पे। कोशिश करो कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है ना अंडरग्राउंड गुजारो। चलो कॉल नहीं कर रहे तुम? किसे? भूल गए क्या अपने हादी भाई को? दावत नहीं देनी क्या आज रात के खाने की? रात को नहीं, दोपहर को बुला लो, अभी बना रही हूं खाना। अच्छा अम्मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फरहान, क्या हाल है? फोन पर नहीं बताऊंगा, आज घर आ जाए दोपहर के खाने पर, फिर बताऊंगा क्या हाल है और कैसा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, बस थोड़ा काम है, खत्म करके आता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हैं? आ जाएंगे। न्यूज़पेपर्स में क्या रखा है? असली न्यूज तो यह है कि तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी आई एम एट होम। तो मैंने कब चाहे कि आप घर ना आए? जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट किया उससे तो साफ नजर आ रहा है कि तुम क्या चाह रही थी। मैंने सिर्फ सच को सपोर्ट करने चाहे, दैट्स इट। ये जिस सीट से इलेक्शन लड़के तुम में इतना गरूर आ गया ना, ये मेरी अबाही सीट है, इससे मैं इलेक्शन लड़ने वाला था और अब मैं इससे अगला इलेक्शन लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। श्योर, लेकिन इससे पहले अपने फेक डिग्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। आफ्ताब Relax. Go inside. I said, go inside. Beta. Ignore him. He's already stressed. Funny. जान किसी और के गए हैं और स्ट्रेस ये है। जब किसी को झूठे केस में इन्वॉल्व किया जाता है
तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है। पापा, आप मुझे बताए हैं कि पाकिस्तान में जिसके पास मनी एंड पावर हो उसे झूठे तो क्या सच्चे केस में भी नहीं हरा सकते, तो भाई को तो इस केस में इन्वॉल्व देख के यहाँ के पुअर क्लास को एक मिरेकल लगे होंगे नो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुम अभी उमरकोट नहीं जा सकते, मुझे तुम्हें डैड से मिलवाना है, वो किसी भी दिन आ जाएंगे। यार कोई जमीन का मसला है, चाचा का फोन आया था। तुम्हारे कौन से सगे चाचा कि तुम इतना परेशान हो रहे हो? तो उनसे क्या कहूं कि मेरी गर्लफ्रेंड आने की इजाजत नहीं दे रही है। झूठ बोल दो, इतने सच्चे तो तुम हो नहीं कि तुम ये कहोगे। कितनी बुरी बात है, बड़ों से झूठ बोलना सिखा रही हो तुम मुझे। तुमने पहले से ही बहुत कुछ सीखा हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मैं अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ काम बन जाए मेरे उमरकोट जाने से। क्यों बेचोगे तुम जमीन गाँव की? एक जमीन ही तो है तुम्हारे पास। शादी नहीं करनी है तुमसे, क्या कहेंगे तुम्हारे डैड? क्या कंगाल लड़का पसंद किया उनकी बेटी ने? तुम डैड को अपनी जमीन के ओरिजिनल कागजात दिखा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और तुम उमरकोट नहीं जा रहे हो, समझे? ओके। पता नहीं कहाँ रह गया है। आ रहे होंगे। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। आओ बैठो, गरम गरम खाना ला रही हूँ, खाओ बैठो। जी। जब दावत पर बुलाया जाए ना तो अपनी अहमियत जताने के लिए देर से नहीं पहुंचना चाहिए वहां पे। मैं दावत पर नहीं आया बल्कि अपनी खाला के घर खाना खाने आया। बिल्कुल ठीक। अगर खाला का घर समझते ना तो इस तरह दावा देने पर नहीं आते। फरहान को भी यही लग रहा था कि तुम बुलाए बगैर नहीं आओगे। हादी भाई बिरयानी लीजिए ना। बहुत लजीज है खाला, हमेशा की तरह। प्लीज तुम आ जाया करो ना, तुम्हारी वजह से हमें भी अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। नाशुक्री बहुत बुरी बीमारी है। तुम्हारे खालू कहा करते थे शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। चलो अब मुझे भी खाना हजम हो जाएगा, आदत जो हो गई जलीकट्टी सुनने की, कुछ हजम होता ही नहीं ये सब सुने बगैर। और तुम सुना क्या स्कोर चल रहा है? तो सेंचुरी बनाई है 80 तरह 10-20 पे आउट हो रहे हो। हादी भाई पिछला मैच तो मैं हार कर भी जीत गया। अच्छा वो कैसे? अम्मी ने बताया था, अम्मी से ही पूछें, आप ही को भी नहीं समझ आया कैसे है ना आप ही? कैसे खाला? खाना खा लो पहले, बाद में समझाती हूँ। वैसे तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम में समझने की काबिलियत है। तो अम्मी मैं काबिल नहीं हूं क्या? तुम अभी छोटे हो। तो आप ही तो बड़ी है ना। आपा से बड़ी हो गई है, काबिल नहीं हुई। देखा फिर आप ही को समझ नहीं आई मेरी तरह आपकी बात। इसे तो कभी मेरी कोई बात समझ में नहीं आई बेटा, तुम तो फिर समझ जाते हो। चलो खाना खाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे बुलाने के लिए खाला, खाना बीच में छोड़ दिए। जब बीच मझधार में छोड़ा था उसने तब क्यों नहीं उसके पीछे ऐसे लपके थे?
तुमने मुझे जगाया ही नहीं, मेरी असर की जमात रह गई। मैं आई थी, आपको आवाज भी दी थी, लेकिन शायद आप बहुत थके हुए थे, उठे नहीं, इसलिए फिर दोबारा आवाज नहीं दी मैंने। फहद आ गया? नहीं, कहकर गए थे कि देर से आएंगे, आज रात का खाना भी बाहर दोस्तों के साथ ही खाएंगे। अल्लाह खुश रखे उसे। मैं तो बड़ा सुकून महसूस करता हूँ तुम्हारा रिश्ता उससे तय होने पर। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, हमेशा ऐसे ही रहे अल्लाह करे, आमीन। तुमने नहीं कहा क्या अब्बा? आमीन। आमीन कह दिया बस। हमेशा दुआ के बाद कहना चाहिए। आपा भी बहुत खुश हैं। उस दिन देखा था स्काइप पे। लग रहा था कि हाथ बढ़ाकर थाम लेंगे तुम। जी बेटा, तुम खुश तो हो ना? खुश हूँ अब्बा। आपको कोई शक है जो बार बार ये सवाल आप मुझसे करते हैं? बेटा तुम समझदार हो, इस शक को खत्म करके यकीन दिला दो मुझे। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे पास कोई जादू है क्या? बेटा अपनी आंखों को भी लबों की तरह मुस्कुराना सिखा दो, मुझे यकीन आ जाएगा। दूध दूध चूल्हे पे रख के भूल गई मैं, आंच भी खुली है। कोई बात तो है जो तुम्हारी आंखें तुम्हारी हंसी और मुस्कुराहट का साथ नहीं देती। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, अपने मुझसे क्यों नाराज है? जो अपनी जिंदगी से नाराज होता है वो सारी दुनिया से बदला लेता है, वो हम सबसे बदला ले रही है। तुम बस ज्यादा महसूस करते हो। शायद वो इसलिए नाराज है कि मुझसे अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। तुमसे होगा भी नहीं, अब उसे ये सब खुद करने दो। नहीं खाला, वो पहले ही बहुत ख्वार हो चुकी है सब में। ये ख्वारी खुद लिखी है उसने अपने मुकद्दर में, हाथ की लकीरों में जबरदस्ती ये लकीर बनाई है उसने। खुरच कर जख्म होगा तो नासूर तो बनेगा। चलें खाला, अब आप भी माफ कर दें सर। मैं कौन होती हूं उसे माफ करने वाली? बस दुआ है कि मेरा रब उसे माफ कर दे। तुम भी उसके लिए दुआ करना। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती। मानूर मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। ये बताने की भी क्या जरूरत थी, बिना बताए ही चले जाते। वैसे भी अम्मी और फरानी से तो मिलने आते हो तुम, और मेरी मुकद्दर में तो लिख दी गई है सबकी बेरोकी। मैंने किया क्या है मानूर, क्यों नाराज हो मुझसे? तुम्हें कोई फिक्र है क्या करना है क्या नहीं? बस ऑफिस जाना, घर जाना, दावतें अटेंड करना, यही है तुम्हारी जिंदगी की रूटीन। मेरी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना परेशान होने से मसला जल्दी हल तो नहीं हो जाएगा ना? तो सब्र करने से भी कोई आकर ये नहीं कहेगा कि मुझे इल्हाम हुआ और मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ।
हाथ पैर मारने पड़ते हैं कुछ पाने के लिए। करता हूँ कुछ, अगर तुम परेशान मत हो और प्लीज खाला को भी परेशान मत करो। वो वक्त चलेगा जब वो मेरे लिए परेशान होती थी, अब तो मेरी हर परेशानी उनके लिए खुशी का बायस होती है। बेवजह बदगुमान हो रही हो तुम खाला से। कभी उनसे भी बोलो ना कि बेवजह बदगुमान हो गई हूँ मुझसे, अल्लाह को हाजिर जानकर। अपने दिल से पूछो तो जवाब मिल जाएगा तुम्हें, खाला की बदगुमानी बेवजह नहीं है। अल्लाह हाफिज। रात के 8:30 बज गए, अनुषा अभी तक घर नहीं आई वापस। इसी तरह वो देर तक बाहर रहती है, आपने तो मुझसे जिक्र नहीं किया था। दरअसल आज उसकी दोस्त की सालगिरह है ना, इसलिए देर हो गई है, वरना तो घर पर ही होती है, कहाँ जाती है। मैं कॉल करके उसे बुलाती हूँ कि तुम आए हो। नहीं नहीं प्लीज डोंट कॉल, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं घर ही खाना खाऊंगा जाके। मैं तो अनुषे को पिक करने आया था, मैं चाहता हूँ जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारूं। हाँ क्यों नहीं, बल्कि आप भी हमारे साथ चलें। मैं घर को किला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। अरे अपने पोर्शन को लॉक लगा दें। चलो अनुषे आ जाए फिर देखते हैं। अच्छा जब तक चाय पी लो। चलें चाय पिला लो। बेवजह बदगुमान हो रही हो तुम खाला से। कभी उनसे भी बोलो ना कि बेवजह बदगुमान हो गई हूँ मुझसे। अपने दिल से पूछो तो जवाब मिल जाएगा तुम्हें, खाला की बदगुमानी बेवजह नहीं है। बहुत देर हो गई है, अब तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। जो हुक्म आपका। नानू का फोन है। डांटेंगी हाँ। तो मैं डरती हूँ क्या? हेलो नानू। कहाँ हूँ? मैं दोस्त के साथ हूँ। ये दोस्त वही नौमराद है ना? क्या हुआ नानू? तुम्हारा बाप आ गया, मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम अब तक कहाँ हो। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि अपनी दोस्त की सालगिरह में गई है, फौरन आओ। और हाँ उसे ये बताना चले कि मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है, जल्दी आओ, वो तुम्हें अपने साथ लेने आया है। मैं आके बात करती हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? मुझे जल्दी घर के कोने पर ड्रॉप करो, डैड घर आ गए। हाँ चल। आपके भाई की जो बेल हुई है इसमें आपने कितना किरदार अदा किया मैम? प्लीज हटिए हटिए, मैम को मीटिंग के लिए जाना है प्लीज। आपके फादर का स्टेटमेंट है अखबार में कि आपने जाए हादसे पर मौजूद तमाम लोगों के स्टेटमेंट के बाद अपने भाई की बेल के लिए होम मिनिस्टर साहब से बात की है। मेरी बात नहीं हुई है मिनिस्टर साहब से, मेरे फादर ने बात की होगी। मैम फिर ऐसी क्या जरूरत है आपके फादर को इस स्टेटमेंट की, इसका मतलब है आपका नाम झूठा लिया गया है। प्लीज नो कमेंट्स। मैम मैम क्या आप इसकी कॉपी मीडिया के सामने ला सकती हैं? प्लीज हटिए आप। चलो बेटे जल्दी से तैयार हो जाओ। किस बात के लिए? भाई मेरे साथ चलने के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही डैड। देखो जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे साथ गुजारो। मैंने कब इनकार किया डैड, मगर मुझे उस सराय में नहीं जाना है जहाँ पाकिस्तान आके कुछ दिन रहते हैं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आप मेरे साथ यहाँ आकर टाइम स्पेंड कर लिया करें। ये आपकी नानू का घर है, आपका वो घर है जो मैंने आपकी मम्मी और आपके लिए बनाया। बस एक घर ही तो लिया था आपने, खुद तो कभी रहे नहीं मॉम की जिंदगी में हमारे साथ।
तो तुम अब मुझे सजा दे रही हो इस बात की वहां ना जाके। चली जाओ ना बेटा। नानो आप प्लीज बीच में मत बोलें। अच्छा बेटे मैं कल आऊंगा और ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आपके लिए आऊंगा जो आपके भाई ने आपके लिए भेजे। मेरा कोई भाई नहीं है और अगर है भी तो वो सुतल है। आप प्लीज अपने लाए हुए गिफ्ट्स को उनके नाम से ना दिया करें। मुझे कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती के रिश्तों की और जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते मैं भी उन्हें अपना नहीं मानती। अनोशे ऐसे नहीं कहते बेटे। बोलने दें इसे, मुझे बुरा नहीं लगता। डैड कल आप आएंगे ना तो प्लीज रुकिएगा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना आपको। मिल तो लूंगा मगर इस काबिल होना चाहिए कि मुझे उससे मिलकर खुशी हो। डैड आपके लिए सबसे अहम बात यह होनी चाहिए कि मैं उसकी कंपनी में बहुत खुश रहती हूँ। ओके मिल लो। बेटा तुम दो मिनट ठहरो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आता। अंकल प्लीज मैं टैक्सी ले लूंगा। अरे बेटा तुम कहाँ टैक्सी तलाश करोगे, मैं बस दो मिनट में लाता हूँ ना। बैठो। दिल तो नहीं चाह रहा मगर मजबूरी है, कहना पड़ेगा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जब भी कहीं अच्छा खाना खाऊंगा, जब भी कोई मुस्कुराएगा, आंखों में उदासी लिए छाप की याद आएगी। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि मुनासिब वक्त नहीं है, सफर पे जाते हुए किसी को दुखी नहीं करते, लेकिन अब्बा कहते हैं कि सफर पे जाते हुए किसी को झूठी उम्मीद भी नहीं देते। जी बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे शादी नहीं समझौता कर रही हूं। जरा याद करो।